हम जा रहे हैं चौबूर जी के मंदिर पे। एक मंदिर है जहाँ यह है पुरानी हवेलिया, पहली बहुत मकान कर रखा है जीते। अब भी आ जाएगा वो ना भैया, आगे जाके ऐसा रास्ता आता है। चले हाँ। सीढ़ी ना पता नहीं पा, रास्ता तो ये चला हुआ ऊपर। बहुत भयंकर रास्ता है नहीं, साठ ये है अलवर शहर, पुराना अलवर शहर, ये सामने रानी महल है, जट सामने रानी महल है, और उसके बाद में वर्तमान में यहाँ पे स्टाम्प कलेक्ट्रेट चलता है। ये सामंतों की हवेली है सामने, मौसम में बड़ी धुंध हो रही है इसी वजह से ऐसा ही दिख रहा है। हम आए हैं इसी जंगल से के रास्ते, अलवर बहुत बड़ा है पर अभी आपको दिख नहीं रहा होगा धुंध की वजह से, बारिश में हो जाता है अक्सर यहाँ पे, भैया मनाली से कम नहीं है। चलो ये कमरा बना रखा है भैया, किसी को रहना हो ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। एक ये नीचे भी है, दो परिवार आराम से रह सकते हैं, बस पानी वगैरह खाना वाना आराम से मार्केट से लाना पड़ेगा उठा उठा के।
अब हम चलेंगे ऊपर मंदिर। तो यह रास्ता बहुत खतरनाक बोल सकते हैं इसको। ये चिड़िया सामने जो व्हाइट सा दिख रहा है ना आपको, जो हल्का सा ये वाला, ये वो मंदिर है। इस लोकेशन पे पहुंचना है अपन को। ये सामने मुंशी महाराणा की छतरी है, ये सागर है, पुराना अलवर शहर है, रियासतकालीन हवेलियां हैं। ये सामने ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की, ये मंदिर है। हमारे दो साथी ऊपर चल रहे हैं। जय श्री राम पंडित जी। नहीं बाबा आप पियो चाय। जय बालाजी महाराज की जय। बाबा ये क्या है? ये मकान था, छत टूट गई। अच्छा छत टूट गई पहले। इसमें तो डांटी लगी रहती है। अच्छा हजारे अलवर मनाली भी नहीं भाई, अलवर मनाली से कम नहीं है। यहाँ से दीवार शायद खंडित हो गई है। चलो बना वापस, चलो उधर से चलेंगे। गलत आ गए भैया, लेके आया था ट्रैकिंग पे। आगे रास्ता आगे रास्ता हो गया बंद तो क्या, स्लिपरी है बहुत ज्यादा इस टाइप का। और ये जा रहा है नीचे, हमको नीचे जाना है ना, हमको जाना है ऊपर। आज भी ऊपर जाने के लिए एक बार नीचे जाना पड़ता है।
मेहनत है। सामने ये 12 किला की दीवार है, ये वाला कोना तोप वाले हनुमान जी है, और जो ये अलवर का बोलते हैं सुसाइड पॉइंट। बंदा गिरा तो मरा। और इधर ये छटंकी हनुमान जी है जो आपको बीच में एक धवस से दिख रही होगी। यह है मुसी महाराणी की छतरी, पास में सागर, अलवर का एकदम साफ सुथरा सागर। ये पास में रानी महल है और ये महल चौक के पास में ही, जहाँ राजा का अलवर के रियासत में राजा का राज तिलक इसी जगह पे होता है। और ये सामंतों की हवेली आसपास में, और दो पानी की टंकियाँ दिख रही होगी जो पानी सप्लाई करती है अलवर शहर में अलवर की प्यास बुझाने के लिए। प्यास में थोड़ी सी आपस में एक ही प्यासा बैठा हमारा। यह है अलवर शहर पूरा आजकल, क्या दिल्ली नजदीक पड़ती है ना, इसे फ्लैट ही फ्लैट दिखते होंगे आपको। सुन वो यहाँ की नहीं थी मैं भाई, वो मोहल्ले की थी।